सचिन पायलट जी और प्रताप सिंह खाचरियावास बैठेंगे तो भजन कीर्तन तो होंगे नहीं, सारी बातें होगी। यार आप कैसी बात कर रहे हो? सीएम से भी चर्चा करी आपने? सीएम साहब से मिलकर आया हूँ, सीएम साहब के साथ बातें करके आया हूँ। मिनिस्टर हूँ, वो मुख्यमंत्री है, मैं उनकी कैबिनेट का एक मंत्री हूँ। अभी पहले मेरे ऑफिस में बैठा था तो सीएम साहब से भी मेरी लगभग मुलाकात होती रहती है। अब पायलट साहब के साथ बहुत समय बाद मुलाकात हुई, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सीएम साहब से तो होती रहती है मुलाकात। मुलाकात में काफी कुछ आपके घर आना चर्चा का विषय बन रहा है कि कहीं जाते नहीं थे, पहले भी आते थे आपके पास? मेरे घर इस घर पे वो पहली बार आए, उस घर पे तो आए और आते रहे। लेकिन साहब अभी तक इस्तीफे दिए हुए हैं, किस कारण से जो इस्तीफे दिए गए हैं वो आपके घर आते? एक बात बताओ, क्या क्या हुआ था वो सब आपके सामने, वो पूरे देश के हमें सब कुछ आ चुका है और खुद गहलोत साहब बोल चुके हैं प्रेस के सामने, सारी बातें क्लियर कर चुके हैं, दिल्ली तक बात हो चुकी है सारी। अब तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, शशि थरूर जी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त आप मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले तो अच्छा नहीं लगता। अब कब क्या कैसे होगा, तो ये तो सरकार चल रही है सारा का। अभी मुख्यमंत्री जी ने सारी इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर पूरी डिस्कस कर रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में हो रही है जिसमें बड़ा होना चाहिए आपको कि सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही टेबल पर बैठते हैं, फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहां भी बात होती रहती है। तो ये जो आप कहते हो ना हमारी बात नहीं होती, हमारी बात तो विधानसभा में भी होती रहती है। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं, तो चुपचाप तोड़ना रहते हैं। आपने वहां भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहां को हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे, सारी बातें करेंगे। सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने की नहीं होना चाहिए आपको कि सचिन पायलट